दोस्तों कल दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो इंस्टाग्राम है वो डाउन हो चुका था पूरी तरह से, एक पोस्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग भैया जो है ट्विटर में आए और पाना प्लास वाला फोटो दे दिया। आपको ये दोस्तों ट्वीट कैसा लगा, मतलब मीम्स कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन डाउन हुआ था, आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं, मॉर्निंग में जबरदस्त वीडियो डाला है अगर Xiaomi 11i और Narzo 50 Pro लेना चाह रहे हैं तो वो वीडियो को जरूर देखिए, कौन सा लेना है बताया है। बात करते हैं कल के पोल की। हमने आपसे पूछा था कि आप जो हेडफोन यूज करते हैं किस वजह से करते हैं। 80% लोगों ने कहा कि म्यूजिक सुनने के लिए, 11% लोग ऐसे हैं जो दोस्तों बोले कि हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं, 9% लोगों ने कहा कि हम भैया कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, और कुछ लोग अल्ट्रा लेजेंड है जो वो देखने के लिए दोस्तों यूज करते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उसमें से अगर आपको लगता है ऐसा तो जाइए कमेंट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन वो देख रहे हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, आप दोस्तों किस लिए हेडफोन यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों दिवाली की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिवाली में दोस्तों बहुत सारी चीज होता है, हम सब इंतजार करते हैं कि भैया दिवाली आएगा तो फोन खरीदेंगे, सस्ता होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन दोस्तों इस बार दिवाली का जो स्टार्टिंग वाला न्यूज है उतना अच्छा नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि वी जियो और दोस्तों वो एयरटेल वगैरह जो है अपना टैरिफ प्लान को बढ़ाने वाला है दिवाली के मंथ में, इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये चीज जो हो रहा है सही है, आप अपनी राय जरूर दीजिए, आप दोस्तों आने वाले टाइम में क्या करेंगे। गरीब आदमी दोस्तों तो मर गया, आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं मीशो की। आप दोस्तों यूज किए हैं मीशो, अगर नहीं किए तो जाइए क्लोथ वगैरह मंगाइए। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा दोस्तों इसमें नए नए तरह के सेलर्स जुट चुके हैं और मीशो में दोस्तों इस तरह का शॉपिंग चल रहा है, मतलब इस तरह का प्रोवाइड कर रहा है। आप दोस्तों मीशो यूज करते हैं या नहीं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन 6 लाख सेलर दोस्तों बहुत बड़ी एक नंबर होती है दोस्तों, आपकी जो भी राय है, आप मीशो में है सेल वगैरह करते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं एप्पल की। एप्पल की तरफ से न्यूज ये आ रही है कि एप्पल का दोस्तों 2 वॉच बहुत ही जल्दी आने वाला है और अलग अलग दोस्तों सीरीज में होगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सस्ता होगा, आपको दोस्तों आधा किडनी या गुर्दा तो देना ही होगा। तो जाइए तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, किडनी को मजबूत करिए और बताइए आपने दोस्तों वॉच खरीदा या नहीं। लेकिन हम वॉच नहीं पहनते, इसलिए मेरे वॉच पे वॉच मत रख। चलिए दोस्तों वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो दोस्तों कोकान भोरी भाई का बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि Redmi Note 10 Pro इनके पास है, MIUI 13.0.4.0 का अपडेट आया है, करे या नहीं, ये सवाल है। तो देखिए आँख बंद करके कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बैटरी ड्रेन जो हो रहा था वो फिक्स हो गया है, लेकिन फिक्स कैसे करना है कल का वीडियो आएगा मॉर्निंग में सुबह में 10 बजे, तो वो वीडियो को देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। वैसे आप टेलीग्राम में हैं तो वहाँ पर हम दोस्तों लिंक दे दिए, जाइए इंस्टॉल करिए, आपको दोस्तों ज़रा भी लैक स्टटर या फिर दोस्तों बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलेगा। तो जाइए जल्द से जल्द फॉलो करिए और दोस्तों इंस्टॉल करिए MIUI 13.0.4.0। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग गैलेक्सी M13 ये जो फोन है दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आएगा, डायमेंसिटी 700 वाला दोस्तों इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों वाटर ड्रॉप डिस्प्ले यहां पर दिख रहा है, आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए, आप इस फोन के लिए इंटरेस्टेड रखते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi की तरफ से बहुत सारी खबर है। पहला जो है दोस्तों Xiaomi 12S और 12S Pro ये दोनों फोन में दोस्तों लाइका के कोलैबोरेशन के साथ इसका कैमरा देखने को मिल रहा है और इसकी प्रोटोटाइप आ गई है जो आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में लाइका क्या करेगा दोस्तों Xiaomi के साथ, या Xiaomi क्या करेगा लाइका के साथ, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi Mi Band 7 कल लॉन्च हो चुका है दोस्तों चाइना में और उसी के साथ उनका फोन भी हुआ, तो फोन के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों Xiaomi का Band 7, ये जो है दोस्तों OLED डिस्प्ले के साथ आता है, मतलब AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है 1.62 इंच का। इसमें दोस्तों 130 या 180 mAh की बैटरी है, लेकिन दोस्तों 15 दिन का बैटरी बैकअप यहां पर देखने को मिलेगा। सारे सेंसर यहां पर दिए गए और इसकी जो प्राइस आई है बहुत ही दोस्तों अफोर्डेबल, ऐसा बताया जा रहा है कि 3200 रुपए चाइना में, इंडिया में आएगा तो इसकी प्राइस क्या होगी कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन डिस्प्ले इस बार थोड़ा जबरदस्त लग रहा है, आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं Xiaomi का Redmi Note 11T और 11T Pro, ये दो फोन दोस्तों का लॉन्च हो चुका है चाइना में और ये जो फोन है दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि ग्लोबली लिस्ट हो चुका है पोको X4 GT और X4 GT Pro के नाम से। दोनों में दोस्तों आपको सब कुछ सेम देखने को मिलेगा,
बस दोस्तों जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो अलग है, बाकी दोनों का सेम है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं 11T की। तो दोस्तों 11T में आपको देखने को मिलता है Dimensity 8100 का प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज का दोस्तों। इसमें IPS LCD डिस्प्ले, 6802 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और दोस्तों 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों प्रो प्लस जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा 4400 mAh की बैटरी और यहां पर दोस्तों 120 वाट का फास्ट चार्जिंग। बस यही फर्क है। दोनों का जो प्राइस आया है दोस्तों 19000 रुपये कन्वर्ट करके बता रहे हैं दोस्तों, प्रो वर्जन का और प्रो प्लस का 24000 रुपये। आपको क्या लगता है इंडिया में आएगा दोस्तों? क्या पोको के नाम से आएगा या फिर दोस्तों रेडमी के नाम से आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi 13 की। दोस्तों 12 अभी पार हुआ लेकिन Xiaomi 13 की लिस्ट हो चुकी है। दिसंबर तक ये फोन दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी आ रहा। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं Redmi Book Pro 14 2022। ये भी दोस्तों कल लॉन्च हो चुका है इंडिया में। दोस्तों आने में लेट है लेकिन दोस्तों ये Ryzen 6000 प्रोसेसर के साथ दोस्तों लॉन्च किया गया है और इसकी जो प्राइस आई है दोस्तों 52000 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से बता रहे हैं। आपको क्या लगता है इंडिया में आएगा? 60-62 तक का जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं पोको की। पोको का एक दोस्तों नया कुछ आने वाला है, बस इसकी लिस्टिंग हुई कि मुकुल शर्मा ने इस पर ट्वीट किया और बताया। आपको क्या लगता है ये फोन होगा या कुछ और होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटो रेजर 3 की। ये जो फोन है दोस्तों इसकी फर्स्ट लुक देखा जा रहा है और इस बार दोस्तों डुअल रियर कैमरा के साथ आएगा। मतलब दोस्तों देखने में तो कुछ इस तरह का है लेकिन इसकी प्राइस क्या होगी इस बार? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं नथिंग की। नथिंग जो है दोस्तों जुलाई में लॉन्च होने वाला है, इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है 21 जुलाई। आपको क्या लगता है दोस्तों? और इसकी लिस्टिंग वगैरह भी हो गई है, वाईफाई लिस्टिंग वगैरह। और इसमें दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इसका ट्रांसपेरेंस बैक देखा जा रहा है जिसमें वाईफाई का कंडेंसर दिख रहा है। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओप्पो रेनो 8 प्रो सीरीज की। ये जो है दोस्तों मिड ऑफ जून में इंडिया में देखने को मिलेगा लेकिन इस बार दोस्तों प्राइस जो है थोड़ा सा हाइक देखने को मिलेगा इंडिया में, इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। आप दोस्तों 8 सीरीज के लिए इंटरेस्टेड रखते हैं? मुझे 8 प्रो काफ़ी ज़बरदस्त लगा। आपको कैसा लगा ओप्पो रेनो 8? कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं पैड एक्स। ये जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, 870 के साथ आएगा। सारे स्पेसिफिकेशन कल के वीडियो में बना दिए लेकिन दोस्तों ये इंडिया के BIS में लिस्ट हो गया और फर्स्ट लुक अगर आप देखना चाहते हैं तो ये रहा स्क्रीन में। आपको ये दोस्तों लुक कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इस बार दोस्तों Realme Pen के साथ आएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी जो भी राय। चलिए दोस्तों बात करते हैं Vivo का 2T। ये जो है दोस्तों 6 जून को लॉन्च होने वाला है इंडिया में, इस तरह की कुछ कंफर्मेशन आ रही है। और इसमें दोस्तों दो फोन होगा, 2T और 2T Pro। 2T का दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 29000 रुपये इसकी प्राइस होने वाली है और 2T Pro का 35000 तक का जाएगा। 870 का इसमें प्रोसेसर वगैरह होगा। बस दोस्तों जब आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे लेकिन आप इंटरेस्टेड रखते हैं इस फोन के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म। बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो दोस्तों एक ज़बरदस्त डील्स है और दोस्तों ये झूठ या सच है पता नहीं लेकिन आपको बताना था तो बता दिया। कार्ड डिस्काउंट वगैरह और ऑफर वगैरह दोस्तों मिलाकर आईफोन 13 जो है दोस्तों 40000 में मिल रहा है फ्लिपकार्ट में। तो जाके चेक करिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये अफवाह है। आप तक बताना था हमने पहुंचा दिया, अब ये सच है या झूठ है आप दोस्तों जाकर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी सवाल है दोस्तों तो कमेंट में जरूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।